नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पीएम मोदी ने किया उमरी ग्राम प्रधान से वर्चुअल संवाद। पीएम ने प्रधान के माध्यम से दिया गांव वासियों को धन्यवाद। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएम ने किया वर्चुअल संवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर किया संवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बबेरू ब्लॉक के ग्राम उमरी गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम प्रधान गिरजाकांत तिवारी से वर्चुअल संवाद कर मौजूदा हाल जाना। करीब 4 मिनट के संवाद में पहले तो पीएम ने प्रधान का परिचय जाना, उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हुए बदलाव की जानकारी ली। जल जीवन मिशन से घर की महिलाओं के मिले लाभ की जानकारी भी पीएम मोदी ने ली। आखिर में पीएम मोदी ने हर घर में शौचालय होने की बात पूछी, जिस पर प्रधान ने हर घर में शौचालय होने की बात कही। कार्यक्रम के बीच में बारिश के चलते संवाद कार्यक्रम में आंशिक रूप से बाधा भी आ रही थी। आज जो है हमारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल वार्तालाप होनी थी, वो हुई है। उन्होंने मेरे गांव के सफाई, स्वच्छता एवं जल के बारे में जानकारी ली मुझसे। मेरे गांव में 250 परिवार हैं, जहां जल मिशन के द्वारा हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया गया, और मैं स्वयं पूरे गांव में घूम करके ये देख चुका हूं कि मेरे गांव में आज की डेट में हर व्यक्ति को और हर घर वालों को टोटी के द्वारा पानी पहुंच रहा है। पहले क्या समस्या थी? पहले मेरे गांव में हैंडपंप और कुओं से पानी मिलता था, जिससे लोगों के बहुत बीमारियां होती थी, जल प्रदूषित होता था। और अब जल मिशन के द्वारा मेरे गांव में जो ये सुविधा हुई है, इसमें लिक्विड वगैरह सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया है, वो टंकी में रखे हैं, वहाँ से उतने ही उसमें मात्रा में डाले जाते हैं और जल की जांच होती है महिला समूह। ये किस तरह का कार्यक्रम था और क्या इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में और हमारे बुंदेलखंड में और बुंदे क्षेत्र के दो जिले हैं, इन जिलों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पानी पहुँचने की योजना है। उसी क्रम में आज यूपी से आपका ये उमरी तस्वीर का नाम सेलेक्ट हुआ था। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो जल समितियाँ हैं और जो यहाँ के जल समिति पानी समिति के अध्यक्ष हैं, प्रधान जी से बात की है और पानी की महत्ता के बारे में। सर, पहले क्या समस्याएं थी, अब क्या सुविधा हो गई है? अगर यहाँ बुंदेलखंड से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ के लोग कुओं से, हैंडपम्प से, और बहुत पहले आज से 25-30 साल पहले चले जाए तालाबों से भी पानी पीते थे, तो पानी को लेकर बहुत समस्याएं थी। लोग बहुत समय लोग का पानी में ही रहता था, पानी लाने में महिलाओं का भी खर्च है। अब क्योंकि हर घर से जब नल से पानी जाएगा तो उसका समय बचेगा और महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ा। तो यदि फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।